देख रहे हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। नए कलेवर और तेवर के साथ मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद रैलियों के शोर और रोड शो के जोर पर कोरोना ने भले ही मास्क लगा दिया है, लेकिन मैदान में सियासत और शहमात की रसाकशी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। यूपी के रण के लिए 10 फरवरी से वोटिंग होनी है और सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट का पूरा सियासी गुणागणित समझाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कौन सी सीट किस फैक्टर पे क्यों फंसी है। बात जीत और हार के सियासी मुद्दों की भी होगी, कहां किसके बीच है कांटे की टक्कर और कहां सत्ता का कौन सा पत्ता है हावी जो वोटर्स के मूड को बदल सकता है। इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस सियासी चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे जो अपने इलाके में रखता है बड़ा सियासी रसूख। साथ ही ये भी समझाएंगे कि 2022 की रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो चलिए नए तेवर और क्लेवर में शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा और आज हम आपको पश्चिमी यूपी के फर्स्ट फेज के दो जिलों का पूरा सूरत हाल बताने वाले हैं। पहले बात करेंगे बागपत की, जहां विधानसभा की 3 सीटें हैं। आपको बताएंगे बागपत में विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है और 10 फरवरी को होने वाले मतदान में वोटर किस समीकरण को देखकर वोट देंगे। बात बुलंदशहर की भी होगी, जहां विधानसभा की 7 सीटें हैं। पश्चिमी यूपी के इन दोनों ही सीटों पर किसान और गंदा भुगतान के साथ बेरोजगारी और पॉलिटिक्स बेरोजगारी पर होने जा रही है। आपको दिखाएंगे बागपत की 3 सीटों पर कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। आज हम आपको इन दोनों जिलों का पूरा सियासी समीकरण समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं नए तेवर और क्लेवर के साथ सिंहासन 403। बागपत के सियासी समीकरण को आपको दिखाएंगे, जिले की 3 सीटों पर किस पार्टी 2017 में कैसा दबदबा रहा, जहां की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा जबकि 1 सीट पर रालोद जीत पाई थी। वहीं बसपा और सपा कांग्रेस यहां खाता तक भी नहीं खोल पाई थी। बात करेंगे बड़ौद विधानसभा के मतदाताओं का मिजाज भापना राजनीतिक पार्टियों के लिए भी टेढ़ी खीर हो जाता है। बड़ौद विधानसभा सीट खत्म होने के बाद साल 2008 में दोबारा से अस्तित्व में आई। साल 2012 में जनता ने बसपा के सिर पर ताज सजाया तो 2017 में मतदाताओं ने भाजपा के अंकित चौहान के हाथ में जीत का कमल थमा दिया। खास बात यह है कि सीट पर हर विधानसभा चुनाव में विजेता का चेहरा बदल गया। बड़ौत विधानसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा विधायक कृष्णपाल मलिक उर्फ केपी मलिक को प्रत्याशी बनाया है तो सपा रालोद ने जाट चेहरे जयवीर सिंह तोमर पर दाव लगाया है। बात अगर हम बसपा की करें तो अंकित शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में नजर आते हैं और बात अगर हम कांग्रेस की करें तो राहुल कश्यप जो है वो चुनावी मैदान में नजर आते हैं। बड़ौत सीट का ये पूरा समीकरण है, कौन सा चेहरा किस तरीके से ताल ठोक रहा है ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। पहले फेज में इलेक्शन होने हैं, पोलिंग होनी है और उससे ठीक पहले किस तरीके से कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है ये लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक सीट का समीकरण समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शहमात का खेल पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच गया है। भले ही रैलियों पर रोक है, बड़ी जनसभाओं पर रोक है, लेकिन पूरी तरीके से चुनावी बिसात जो है वो बिछी हुई नजर आती है और शहमात का खेल जो है वो साफ तौर पर नजर आता है तमाम राजनीतिक दलों के बीच। जाट बाहुल्य सीट पर 2017 में भाजपा के कृष्णपाल मलिक ने जीत दर्ज की थी। 2017 में भाजपा के केपी मलिक ने रालोद के साहब सिंह को हराया था। बड़ौत सीट पर 64.229% वोटिंग यहां पर हुई थी। इस सीट पर लंबे वक्त तक रालोद का कब्जा रहा तो वहीं 2017 में मोदी लहर में पहली बार भाजपा का विधायक बना। भाजपा के केपी मलिक को 42.89% यानी कुल 79,427 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रालोद के साहब सिंह को 52,941 वोट मिले। एक बार फिर भाजपा ने केपी मलिक को मैदान में उतार दिया है। और आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट छपरौली विधानसभा सीट की। 1967 में अस्तित्व में आई सीट
ये जाट बाहुल्य सीट है और इस सीट से आरएलडी ने अपना वजूद तय किया। ये सीट आरएलडी का गढ़ कही जाती है। इसी सीट से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था। 2012 में यहाँ आरएलडी के वीरपाल राठी ने बाजी मारी तो 2017 में सीट रालोद के सहेंद्र सिंह रमाला ने जीती। हालांकि बाद में सहेंद्र सिंह रमाला भाजपा में शामिल हो गए। एक बार फिर भाजपा ने सिटिंग विधायक सहेंद्र सिंह रमाला पर दाव लगाया तो वहीं रालोद में अजय कुमार को मैदान में उतारा है तो वहीं बसपा से मोहम्मद शाहीन चौधरी और कांग्रेस ने डॉक्टर यूनुस चौधरी को मैदान में उतारा है। देखिए छपरौली की लड़ाई बेहद रोचक रही है। जहां 2017 में भाजपा के सत्येंद्र सिंह को हराकर रालोद के सहेंद्र सिंह रमाला ने सीट जीती लेकिन वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। छपरौली में 62.95% वोट पड़े थे और इसी के आधार पर जो रिजल्ट है वो भी सामने आए थे। 2017 में भाजपा बागपत की छपरौली सीट से जीत दर्ज नहीं कर पाई थी लेकिन रालोद के विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। रालोद के सहेंद्र सिंह 3842 वोट से जीते। इस बार भाजपा ने सहेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया है। पश्चिमी यूपी के जानकार अजीत राठी जी जुड़ रहे हैं। दशकों से अजीत राठी की बागपत समेत पूरे पश्चिमी यूपी पर पैनी नजर बनी हुई है। अजीत जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए जो बड़ौद सीट की बात कर लें या छपरौली सीट की बात कर लें, छपरौली तो लगातार गढ़ रही है रालोद की, 2017 में भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी हालांकि बड़ौद में जरूर सफलता मिली थी। इस बार क्या कुछ सियासी समीकरण आपको नजर आते हैं अजीत? कृष्ण पाल मलिक जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से प्राची वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी जो राजनीति की शुरुआत थी वो लोकदल से थी। वो पहले नगर पालिका बड़ौद के चेयरमैन बने और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल ने उनको MLC बनाया था और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नो डाउट कि पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी लेकिन इस बार थोड़ी सी परिस्थितियां किसान आंदोलन की वजह से और बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बदली हुई नजर आ रही है। और इसमें खास बात यह है कि अगर बड़ौद सीट पर आप अगर प्रत्याशियों का ही मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो KP मलिक सिटिंग MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और लोकदल से एडवोकेट जयवीर तोमर उनके प्रत्याशी हैं, BSP से अंकित शर्मा प्रत्याशी हैं और यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने यहाँ से राहुल कश्यप को उतारा है। कश्यप जो है वेस्टर्न यूपी में परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है और खास उसके साथ साथ ब्राह्मण भी। तो अंकित शर्मा जितने ब्राह्मणों में सेंधमारी करेंगे और जितने ये अपने राहुल कश्यप कश्यपों में सेंधमारी करेंगे तो उतना फायदा लोकदल को होने के आसार बने रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर इसी चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा अगर वो सीट जीतना चाहते हैं कि ब्राह्मणों में कश्यपों में लगने वाली सेंधमारी को कैसे रोका जाए। चूंकि इस बार किसान आंदोलन के बाद जैसा भी आपने बताया भी कि जिस तरह से माहौल वहां पर बन रहा है, गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है तो उसके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए अजीत इस बार का चुनाव से पहले होती है, पिछली बार की चुनाव की तरह नहीं है, इस बार बाइपोलर चुनाव नजर आता है और इसीलिए जो फाइट है वो बहुत टफ नजर आती है। बने रहिए अजीत हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बात करेंगे अब बागपत जिले की सबसे हॉट सीट यानी बागपत सीट की। 2012 में परिसीमन के बाद बागपत सीट अस्तित्व में आई। 2012 में सीट से बसपा से हेमलता चौधरी विजयी हुई थी। रालोद दूसरे नंबर पर जबकि 2017 में भाजपा से योगेश धामा ने जीत दर्ज की और बसपा दूसरे स्थान पर रही थी। दोनों बार ही रालोद और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी चुने लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर विकास का मुद्दा हावी रहता है, साथ ही यहाँ गुर्जर त्यागी ब्राह्मण और दूसरी जातियां अहम भूमिका निभाती हैं। इस बार भाजपा ने सिटिंग विधायक योगेश धामा पर दाव लगाया है तो वहीं सपा रालोद गठबंधन ने अहमद हमीद को मैदान में उतारा है। बसपा ने गुर्जर उम्मीदवार अरुण कसावा को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस अनिल देव त्यागी पर दाव लगा रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं साल 2017 में बागपत सीट से जीत का मार्जिन क्या रहा था और किसने बाजी मारी थी। देखिए अगर हम 2017 की बात कर लें तो भाजपा के योगेश धामा ने सीट पर जीत दर्ज की थी तो वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के अहमद हमीद रहे थे। इस सीट पर अगर मतदान की बात करें तो साल 2017 में 65.91% यहाँ पर वोट पड़े थे। वहीं अगर हम बात कर लें 2017 की तो यहां जीत दर्ज करने वाले विधायक के बारे में, योगेश धामा पहली बार बागपत सीट से चुनाव जीते थे। गुर्जर वोट को साधने के लिए भाजपा ने गाजियाबाद के धामा को बागपत से मैदान में उतारा था और मोदी लहर में धामा ने सीट पर कब्जा कर लिया था। 1977 के बाद ये पहला मौका था जब बागपत सीट पर भाजपा ने कब्जा किया था।
और आइए अब बात करते हैं बागपत के सबसे बड़े मुद्दों की और आपको बताते हैं कि इस बार चुनाव में जनता के मूड को डिसाइड कौन से मुद्दे कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पूरे वेस्टर्न यूपी का मुद्दा है वो है गन्ना के दाम। इसके अलावा आवारा पशुओं से शहर से लेकर ग्रामीण वोटर्स परेशान हैं, तो वही कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है बागपत के लिहाज से। तो ये तीन बड़े मुद्दे बागपत के चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं। और अब बात करेंगे सत्ते की पत्ते की, जो इस बार बागपत में बेरोजगारी ही रहने वाला है क्योंकि युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों को साध कर भी कोई राजनीतिक दल बागपत से अपनी जीत की राह को सुनिश्चित कर सकती है। एक बार फिर से रुक करेंगे अजीत राठी जी का, जो तमाम समीकरण हमको समझा रहे हैं। अजीत, देखिए अगर हम बागपत सीट की बात करें या पूरे जिले की बात करें तो यहाँ पर गन्ना किसान एक बड़ा मुद्दा है जो हमेशा हर सरकार में अपने मुद्दे को लेकर परेशान नजर आते हैं। वादे जरूर किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। क्या लगता है आपको, बेरोजगारी के साथ ये मुद्दा कितना प्रभाव डालेगा इस बार? प्राची, देखिए मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी वाला और महंगाई वाला मुद्दा है वो लोगों के जहन में थोड़ा सा बस गया है। लोगों से जब बात करते हैं चुनाव के दौरान कि आप किसको जिता रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं, तो वो भले ही किसी की तारीफ भी करते हो लेकिन उनको जो महंगाई की मार और रसोई की जो महंगाई है जो रसोई तक पहुँच रही है वो लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रही है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो प्रत्याशियों के नाम अभी आपने गिनाए हैं, धामा जो फैमिली है, धामा फैमिली, तो उनका जिला पंचायत के अध्यक्ष पर भी एक टाइम कब्जा रहा है और वो इस समय सीटिंग विधायक हैं। और जो योगेश धामा हैं भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग विधायक, वो एग्रेशन वाली राजनीति करते हैं। यही फर्क है लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो थोड़े एग्रेसिव हैं और यूथ में एग्रेसिव राजनीति करते हैं। और जो हमीद साहब हैं, इनके फादर साहब कोकब हमीद साहब, वो लोकदल से यहाँ कई बार MLA रहे हैं, दो बार यूपी में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चेहरे के साथ साथ जो सियासी समीकरण है वो साधने बहुत जरूरी है और देखने वाली बात ही होगी कि किस तरीके से आने वाला चुनाव रहता है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आइए अब बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2017 के चुनावी नतीजे। ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 2017 में यहाँ की 7 सीटों पर भाजपा का कमल खिला था। बाकी कोई दूसरी पार्टी बुलंदशहर में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस बार के समीकरण हालांकि काफी अलग हो चुके हैं क्योंकि इस बार मैदान पर एक तरफा होती लड़ाई नजर नहीं आ रही है क्योंकि सपा रालोद गठबंधन ने समीकरण बदल दिए हैं, तो वहीं बसपा भी अलग जोश के साथ ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिकंदराबाद विधानसभा सीट की, जो कि एक महत्वपूर्ण सीट है बुलंदशहर की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार सिकंदराबाद विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है। सबसे पहले आपको उन सियासी सूरमाओं से मिलवाते हैं जिन पर पार्टियों ने इस बार चुनावी दाव लगा दिया है। सबसे पहले बात भाजपा की करेंगे। भाजपा ने सिटिंग विधायक का टिकट यहां पर काटा। भाजपा ने इस बार लक्ष्मीराज सिंह पर दाव लगा दिया, तो वहीं SP रालोद गठबंधन ने राहुल यादव पर दाव लगाया है, तो वहीं बसपा से मनवीर गुर्जर मैदान में है। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार सलीम अख्तर पर दाव लगाया है। सिकंदराबाद की बात 2017 की करेंगे तो यहां पर 67.13% मतदान हुआ था। सिकंदराबाद से भाजपा की विमला सिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बसपा के मोहम्मद इमरान रहे थे। 2012 और 2017 में भले ही विमला सिंह सोलंकी लगातार दो बार जीती हो लेकिन पार्टी ने इस बार विमला सिंह सोलंकी पर भरोसा नहीं जताया। 2012 से 123 सीटों से जीतने वाली विमला सिंह सोलंकी 2017 में 28,623 वोटों से जीती थी। 2017 में विमला सोलंकी की जीत का मार्जिन 11.33% के करीब रहा था। और आइए अब बात करेंगे बुलंदशहर की सियाना विधानसभा सीट की, जहां मुस्लिम दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है। ब्राह्मण, जाट, ठाकुर और वैश्य 15-22% है। तो वहीं सियाना सीट का इतिहास रहा है कि यहां 1967 के बाद कोई भी विधायक दोबारा चुनकर नहीं आया है। 2009 में जहां कांग्रेस के दिलनवाज जीते थे, तो वहीं 2017 में मोदी लहर में सीट भाजपा के पाले में चली गई और इस बार एक बार फिर भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक देवेंद्र सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा ने 2009 के विधायक दिलनवाज खान पर दाव लगाया है, तो वहीं बसपा ने ब्राह्मण चेहरे सुनील भारद्वाज को, कांग्रेस ने सबसे युवा प्रत्याशी पूनम पंडित को मैदान में उतारा है। तो ये वो चेहरे हैं जो सियाना सीट पर अब चुनावी जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
सियाना सीट पर 2017 की बात करें तो यहां कुल 62.53% मतदान हुआ था और इस सीट पर भाजपा के देवेंद्र लोधी ने सीधी टक्कर में बसपा के दिलनवाज को हरा दिया था। वहीं देवेंद्र लोधी की बात करें तो देवेंद्र लोधी को सियाना सीट से पहली बार 2017 में वो विधायक चुने गए। लोधी को 1,25,854 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के दिलनवाज और अब आरएलडी से उम्मीदवार दिलनवाज खान को 54,224 वोट मिले थे। दोनों की जीत का मार्जिन 30.82% रहा था। और अब बात करेंगे छोटी काशी के रूप में मशहूर अनूप शहर की, जो एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अनूप शहर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता को तय करना है, लेकिन हम आपको अनूप शहर का पूरा गुणा गणित समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने इस बार किस किस पर दाव लगाया है। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की, तो भाजपा ने यहां से सिटिंग विधायक संजय शर्मा को ही चुनावी मैदान में उतारा है, तो सपा एनसीपी गठबंधन ने के शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर बात कर लें बसपा की, तो रामेश्वर सिंह लोधी को तो कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह पर दाव लगाया है। बात 2017 की करें तो अनूप शहर की सीट पर कुल 63.58% मतदान हुआ था, तो भाजपा के संजय सिंह ने बसपा से चुनाव लड़ने वाले गजेंद्र सिंह को 26.25% के मार्जिन से चुनाव हरा दिया था। बात वर्तमान विधायक के बही खाते की कर लें तो संजय सिंह को 1,12,431 वोट मिले थे, जबकि उनके विरोधी बसपा के गजेंद्र सिंह को 52,117 वोट मिले। संजय शर्मा की जीत का मार्जिन 26.25% रहा था। तो देखिए हमारे साथ शहर की डिबाई सीट की, जहां 2017 में भाजपा ने कब्जा किया था, भाजपा ने इस बार अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया है। भाजपा ने इस बार सीपी सिंह को मैदान में उतारा है। भाजपा ने सिटिंग विधायक अनीता सिंह का टिकट काट दिया है, तो वहीं सपा रालोद गठबंधन ने हरीश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बसपा ने करण पाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार सुनीता शर्मा पर दाव लगा दिया है। बात आइए शिकारपुर विधानसभा सीट की कर लेते हैं, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में से एक है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार शिकारपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे तो जनता को तय करना है, लेकिन शिकारपुर सीट पर कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किस पार्टी ने किस चेहरे पर दाव लगाया जल्दी से बता देते हैं। भाजपा ने सिटिंग विधायक और राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर दाव लगाया है, तो वहीं रालोद ने किरण पाल सिंह को मैदान में उतारा है, जो कद्दावर नेता है। उधर बसपा ने रफीक फड्डा को, तो कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरे जियाउर रहमान पर दाव लगाया है। बात करेंगे खुर्जा विधानसभा सीट की, जो कि सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, ये महत्वपूर्ण सीट है। 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार खुर्जा सुरक्षित विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे इसे तो जनता को तय करना है, लेकिन भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट यहां से भी काटा है। इस बार भाजपा ने मीनाक्षी सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने बंसी पहाड़िया, जो कि कांग्रेस के कभी कद्दावर नेता रहा करते थे, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने विनोद कुमार, तो कांग्रेस ने टुक्की मल खटीक को मैदान में उतारा है। आइए बात अब कर लेते हैं बुलंदशहर सदर सीट की। 2017 में यहां पर बीजेपी ने कब्जा किया था और वीरेंद्र सिंह सिरोही विधायक बने थे, लेकिन उनका निधन हो गया, जिसके बाद 2020 में उपचुनाव हुए और उनकी पत्नी उषा सिरोही को मैदान में उतारा गया, उन्होंने भी जीत दर्ज की। हालांकि इस बार पार्टी ने उषा सिरोही को टिकट नहीं दिया है, वजह परिवार कलह भी बताई जाती है। भाजपा ने प्रदीप चौधरी पर दाव लगा दिया है, तो गठबंधन में ये सीट आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी ने हाजी यूनुस को मैदान में उतारा है, बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है। तो वहीं बसपा ने मोबिन कल्लू कुरैशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सुशील चौधरी को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। आइए एनसीआर से सटे हुए बुलंदशहर के मुद्दे आपको फटाफट से समझा देते हैं। यहां पर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे कि हर शहर में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कि लोगों की जबान पर है। वहीं कानून व्यवस्था बुलंदशहर में हमेशा से एक मुद्दा रहा है और इस बार भी कानून व्यवस्था का मुद्दा नजर आता है बुलंदशहर। देखिए अगर बात सत्ते की पत्ते की कर लें, तो इस सीट पर वही पार्टी विजयी रहती है इस जिले में, जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति को अच्छे से करना जानती है, यानी ध्रुवीकरण यहां पर एक बड़ा मुद्दा रहता है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार भानु प्रताप सिंह जी का, उनसे समझ लेते हैं बुलंदशहर में इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं।
देखिए क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं सर, यही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बुलंदशहर ने पिछली बार बीजेपी को क्लीन स्वीप दिया था, लेकिन इस बार मुद्दे बदल रहे हैं, सियासी समीकरण बदल रहे हैं। देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक प्रयोगशाला की तरह है जी। यहाँ से जो हवा बनती है वो फिर पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। इस कारण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत, बुलंदशहर जिले में या अन्य जो 11 जिला चुनाव होने जा रहे हैं पहले फेज में, उनको पार पाना हर पार्टी चाहती है। इसीलिए हर पार्टी में मारामारी है। खास तौर से भाजपा को किसान आंदोलन के चलते अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि इस बार अमित शाह जी ने एक मीटिंग की जाटों के साथ, उनको जाट आरक्षण का उनको वादा किया है। तो ये अगर ऐसा है तो जो किसान आंदोलन का जो बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिमी यूपी में, उसको तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। गंदा किसान का जो आंदोलन, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी बुलंदशहर की मैं अगर बात करूँ तो, क्योंकि यहाँ पर जाट बहुत सीट है और जाट जो चाहता है वो बहुत ज्यादा होके रहता है। 2017 की तरह बुलंदशहर में मोदी की लहर भी नहीं है इस बार, इसलिए इस बार चुनाव मुद्दों पर हो रहा है और मुद्दों में आपने बताया किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है, गन्ना किसान बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसीलिए अब तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरण समझाने के लिए। इसी के साथ सिंहासन 403 में आज के लिए बस इतना ही, कल होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ और सीटों के समीकरणों के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा।